जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आज ठगी से पीड़ित दर्जनों पीड़ित व्यक्तियों व संगठन के कार्यकर्ताओं ने ठग कंपनी एवं मल्टीस्टेज क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं ठगों की एफआईआर दर्ज कराने और ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूरी कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस को सौंपा। मदनलाल आजाद नाम है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का जो है राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मुजफ्फरनगर जिले में लगभग 5 लाख लोगों के साथ 10,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और वो बहुत सारी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने की है, जिसमें सहारा इंडिया परिवार है, पीएसएल पल्स है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव है और बहुत सारी हैं। तो उन कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए आज का ये ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है, बट्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट 2016 के संदर्भ में। थैंक यू। एजेंडा ये था कि भारत सरकार के सांसद में जो नियम फाइनेंस कंपनियों के लिए बनाया गया, उस नियम के अनुसार जिन लोगों ने फाइनेंस कंपनीज़ को पैसे जमा करे, वे फाइनेंस कंपनी पैसा लेके भाग गई और संसद में पास हुए नियमानुसार यदि फाइनेंस कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की वापस देने की है। उस पैसे को वापस देने लेने के लिए बहुत सारे एजेंट अपने जमाकर्ताओं के पैसे, बहुत सारे जमाकर्ता अपने पैसे वापस लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उस प्रयास में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और पहले सरकार ने जिला स्तर पे एप्लीकेशन मांगी थी। आज एडीएम फाइनेंस साहब ने बताया कि अब ये एप्लीकेशन आप तहसील स्तर पे भी देंगे ताकि ये पैसा वापस हो जाए। बहुत सारी कंपनियां जैसे गोल्डन फॉरेस्ट है, सहारा है, आदर्श है, बहुत सारी कंपनियां पैसा लेके भाग गई। तो हम सब लोगों का एक संगठन बना कि भाई सरकार की जागरूकता को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए हमें अपनी बात कहनी चाहिए। हम सब लोग उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिलने और अब इसलिए मिलने आए हैं एसएसपी साहब के पास कि कुछ जमाकर्ता एजेंटों की मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, जबकि एजेंट का काम केवल पैसे जमाकर्ता के जमा कराना है, उसकी रसीद उसको दिलाना है और उसके लिए संघर्ष करना है। इस मामले में हमारे साथ बहुत ही अनुभवी हमारे बड़े भाई हमारे साथ हैं, वो आपको विस्तार से और संक्षिप्त में वो महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिससे जमाकर्ताओं में ये जो पैसा लोग लेके भाग गए हैं उनसे पैसा वसूली के लिए और ज़्यादा जागरूकता आए और ये देशव्यापी अभियान गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर करें कि हमारे पैसे वापस दो ताकि हम अपनी झोपड़ी, अपने घर, अपने बच्चों के ब्याह, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर सके। आदरणीय